खरगोन जिला कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार गिरने के एक वर्ष पूरे होने पर इस दिन को लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में मनाया। हम आपको बता दें कि आज के दिन राजनीति दाव पेचों के बीच कमलनाथ सरकार गिरी। इसी को लेकर खरगोन नगर पालिका परिसर में कांग्रेसी नेता इकट्ठे हुए और गांधी जी की प्रतिमा पर हार पहनाकर आज के दिवस को लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने भाजपा पर तीखे प्रहार करके बताया कि जिन मुद्दों कर्ज माफी अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर भाजपा ने कूटनीति के दम पर अपनी सरकार बनाई जो पूरी तरह विफल रही, जिसका जवाब आगामी चुनाव में जनता तय करेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 2020 जो भारतीय जनता पार्टी ने जातांत्रिक तरीके से सरकार बनी थी हमारी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसको धनबल और बाहुबल के आधार पर सरकार को गिराई, उसका हम विरोध करते हैं और लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में आज हम लोग इसको मना रहे हैं, उसका विरोध करके। इसी तारतम्य में हमने गांधी जी की पर बापू को हमने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के साथ में, क्योंकि पूरा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व में भारत देश का नाम इसी आधार पर लिया जाता है, इतने बड़ा देश होने के बावजूद लोकतंत्र किस तरह से स्थापित, किंतु उसको भारतीय जनता पार्टी ने धूल में मिलाया, उस भावना को वो आघात किया है। और इसी तारतम्य में कार्यक्रम आयोजित किया माल्यार्पण के बाद, जो संविधान की प्रस्तावना है जिसमें कहा गया कि किस तरह से आप एक पूरे भारत देश के नागरिक एक साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाते हैं, और उसके प्रस्तावना का वाचन किया। और इसका हमने लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार का विरोध प्रदर्शन किया, और ये कार्यक्रम हमने इसी आधार पर किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।